हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज जो है हमारा इकोलॉजी एक लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है। तो इसका फर्स्ट वीडियो है वो है इकोलॉजी की बेसिक का बेसिक टर्म जो इकोलॉजी में यूज़ की जाती है, हम उसके बारे में देखेंगे। आपको पता है कि CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है सितंबर का, उसकी डेट का फॉर्म जो है, डेट तो अभी रिलीज़ नहीं हुई लेकिन फॉर्म आ गए, तो होपफुली एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर एंड वीक में होगा। तो हम लेके चल रहे हैं कि 1 मंथ है हमारे पास, और 1 मंथ में हमें अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट सिलेबस तो हम कंप्लीट नहीं कवर कर सकते, बट इसमें जो कुछ 6 to 7 units होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है या हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो 6-7 इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं, जिसमें मैं एक बायोकेमिस्ट्री रख रही हूँ, फिर सेल बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, प्लांट फिजियो, डेप बायो, जो भी 6 to 7 units है उनके मैं 1 मंथ में आपको क्या करवाऊँगी, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आज तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो टॉपिक मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊंगी। और उन टॉपिक के साथ ऑलमोस्ट आपकी यूनिट कवर हो जाएगी, क्योंकि उस यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं, मैं आपको वही टॉपिक कवर करवाऊंगी, और उससे आपकी यूनिट भी कवर हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा स्टडी भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमने आज शुरू किया इकोलॉजी। इकोलॉजी सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर हमारा हर एक यूनिट का होता है बेसिक। बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स की 1 मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में जिस भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में, वो हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। हमारे सर ऑलवेज कहते थे कि क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर भी उसी में ही होता है, हमें आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया तो हमें आंसर भी आ जाता है, तो हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है। तो मैं आपको साथ में वो भी ट्रिक और तैयारी करवाऊंगी आपकी, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं इकोलॉजी का। बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक बहुत लेक्चर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज अपना शुरू करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, और हम फर्स्ट वीडियो हमारी हर एक यूनिट की बेसिक होती है, उसके बाद हम हायर टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है डेफिनेशन, इकोलॉजी की डेफिनेशन। इकोलॉजी की डेफिनेशन सबको पता होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब पार्ट सी में स्टेटमेंट दी जाती है, तो कहीं बीच में स्टेटमेंट आ जाती है और उसमें ट्रू और फॉल्स कुछ है, और बच्चे हमेशा इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको डेफिनेशन जो होती है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इसको लाइटली नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं। चलिए, इकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मीन्स ये एक तरह की क्या होती है, एक इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन किसके बीच होती है? ऑर्गेनिज्म के साथ और उसके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, मेन पॉइंट जो है, मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करनी है अपने नोटबुक के ऊपर। मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाऊँगी, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊँगी, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ये टाइम 1 मंथ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ टॉपिक पे फोकस करने का, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम तैयारी करें, ताकि हम रिवीजन भी अपना अच्छे से कर सकें। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी कि रिवीजन कैसे करना है, और जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा, वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इकोलॉजी की होती है इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि ये जो होती है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है, जो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है उसकी के साथ जो इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, क्लियर। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, उसके बाद इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जैसे फादर कौन थे इकोलॉजी के, इंडिया में इकोलॉजी के फादर कौन थे, और इकोलॉजी टर्म को फर्स्ट टाइम जो था वो यूज़ किसने किया था। तो जो इकोलॉजी के फादर थे मेनली, वो थे एक्सलेंडर वन हम्बल्ट। ठीक है,
और जो इंडिया में इकोलॉजी के फादर थे वो थे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, ये जो थे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये इकोलॉजी के प्रोफेसर थे इंडिया में। ठीक है, और जो इकोलॉजी के टर्म थी वो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ की थी, ये तो सभी को पता होगा कि ये जो की थी वो की थी हैकल ने। ठीक है, कौन से ईयर में की थी, 1869 में। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने जो था इकोलॉजी को फर्स्ट टाइम जो था यूज़ किया था। ठीक है, क्लियर होगी डेफिनेशन, क्लियर होगी इकोलॉजी के फादर कौन थे, इंडिया में इकोलॉजी के फादर कौन है, एंड फर्स्ट यूज जो था इकोलॉजी का वो किसने किया था। अब अगर कई बार होता है कि डेफिनेशन इस तरह से लर्न नहीं रहती, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ कि आपको लर्न कैसे रखनी है डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म है, हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी जो इंटरेक्शन होती है वो होती है किसके साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग होती है क्योंकि वो हमें सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एरोबिक कंडीशन में रहते हैं। और जो इन्वायरमेंट होता है वो एबायोटिक होता है, एबायोटिक मतलब एनारोबिक एनारोबिक कंडीशन या नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो मीन्स ये किस इकोलॉजी जो होती है वो किस किस चीज़ की इंट्रैक्शन होती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है, या आप एबायोटिक एबायोटिक पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में आपको कोई भी टर्म इनमें से दी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ऑर्गेनिज्म में, बायोटिक में जो लिविंग थिंग्स होंगी वो आएंगी, जैसे प्लांट, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनिमल आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ इन्वायरमेंट में हमने ले लिया लिथोस्फेयर आ गए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, एबायोटिक होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। हाइड्रोस्फेयर आ गए, क्लियर, एंड एटमोसफेयर आ गए, ये एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इंट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो समझ आ गया इकोलॉजी क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के साथ, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स के साथ, या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स की इंट्रैक्शन होती है आपस में, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक यहाँ फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो ये क्या है, इसमें अब ये है कि प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि होते हैं प्लांट। अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है, ग्रो करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो होता है, एक ये ट्रॉपिकल लेवल है जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। जो प्लांट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से। सन क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपस। अब ऑटोट्रॉपस क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं एंड देन मेक देयर फूड। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में। और बाकी ये जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स, हीटरोट्रॉप्स क्यों, क्योंकि अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाते, ये किसी से लेते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट है, ये ऑटोट्रॉप है, इसने सन से एनर्जी ली, अपना फूड प्रिपेयर किया और अपना फूड बनाया। देन प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, इसने क्या किया, प्राइमरी कंज्यूमर आए, ये सिर्फ प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोरस कहते हैं। इन्होंने क्या किया, प्लांट के ऊपर फीड किया और फीड कर, प्लांट के ऊपर फीड किया और फीड करके क्या किया, इन्होंने एनर्जी ले ली। अब एनर्जी जो होती है ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफ़र होती है, सिर्फ कितनी, 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है एंड 90% एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है।
ठीक है। वैसे ही जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेगा, तो उसको क्या मिलेगा, 10% एनर्जी उसको मिलेगी, वो कंज्यूम करेगा एंड 90% एनर्जी की होगी उसकी लॉस्ट हो जाएगी। वैसे टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेगा तो उससे उसको क्या मिलेगा, सिर्फ उसकी 10% एनर्जी मिलेगी, बाकी की 90% एनर्जी की होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो ये था फ्लो। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम करती है या ट्रांसफ़र होती है ट्रॉपिकल लेवल में एंड कितनी परसेंट लॉस्ट होती है। तो ऑलवेज याद रखना कि 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है ट्रॉपिकल लेवल में एंड 90% एनर्जी की होती है वो लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद आता है कि जो ऑर्गेनिज्म थे, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या, ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे प्लांट है, एनिमल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो प्लांट एंड एनिमल है इसमें क्या होता है, प्लांट मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गए, सन से एनर्जी लेंगे और अपना खाना बनाएंगे। अब ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक होते हैं या ऑटोट्रोपस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, सन से जो एनर्जी लेते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। ये जो सन से इन्होंने एनर्जी ली वो कौन सी फॉर्म में थी, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ले बना इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक में, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड में, ठीक है। ये होता है प्रोड्यूसर का काम, ये सारा काम करके ये जो ऑर्गेनिक फूड है वो एनिमल आ गए, एनिमल के होते हैं कंज्यूमर, ये कंज्यूम करके हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये ऑर्गेनिक फूड को फीड कर लेते हैं या ईट कर लेते हैं और 10% एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन होते हैं, जो डेड फूड के ऊपर, जो मरे हुए फूड होते हैं, एनिमल होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, वो आ जाते हैं डीकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो होता है अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म आपको एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है एंड टर्शरी कंज्यूमर होता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है मैंने आपको बताया वो क्या होता है, हर्बीवोर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो होता है कार्निवोर्स एंड टर्शरी जो होता है वो टॉप मोस्ट कार्निवोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। अब प्लांट ने क्या किया था, ऑटोट्रॉपर्स थे, इन्होंने इनऑर्गेनिक फूड से ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर दिया था। अब कंज्यूमर आए, उन्होंने क्या किया, ईट किया ऑर्गेनिक फूड और मेक किया ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। प्लांट जो थे वो ऑर्गेनिक फूड फीड करते हैं और बनाते क्या हैं, सॉरी, इनऑर्गेनिक फूड एनर्जी के थ्रू फीड करते हैं और बनाते क्या हैं, ऑर्गेनिक। और जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या, ईट भी ऑर्गेनिक फूड करते हैं और प्रोड्यूस भी ऑर्गेनिक फूड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सभी क्या होते हैं, कंज्यूमर हिट्रोट्रॉपस। हिट्रोट्रॉपस क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया कि हिट्रोट्रॉपस जो होते हैं वो कभी भी अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे से अपना फूड कंज्यूम करते हैं और उनके ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या है, डीकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, क्या ब्रेक करते हैं, जितना भी कॉम्प्लेक्स मैटर आता है। डीकम्पोजर किसके ऊपर फीड करते हैं, जो एनिमल मर गए होते हैं या जो चीज़ मर गई होती है उसके ऊपर। तो ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उसको सिंपल मैटर में, ठीक है। और डीकम्पोजर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। और डीकम्पोजर से होके दोबारा से वो ट्री बनाता है और दोबारा से साइकिल शुरू हो जाती है। इतना होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आप कोशिश की है कि बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से एनर्जी जो ट्रांसफ़र है, किस तरह से फूड जो है कंज्यूम है। बाकी एक एक चार्ट है कि ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर आया जो कि ग्रास होपर था, ये हर्बीवोरस था, इसने इससे 10% एनर्जी ली और 10% एनर्जी लेने के बाद
क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर आया, उसने भी इसको फीड करके इससे 10% एनर्जी ली, 90% एनर्जी इनकी वेस्ट हो गई या लॉस्ट हो गई। टर्शरी कंज्यूमर आया, उसको भी स्नेक ने इसके ऊपर फीड किया, तो इसको 90% एनर्जी इसकी वेस्ट हो गई और इसको कितनी मिली, 10% एनर्जी जो होगी इसको ट्रांसफ़र होगी। देन एंड में क्या है, डीकम्पोजर आया, डीकम्पोजर जो था वो डीकम्पोजर होके उन्होंने दोबारा से साइकिल शुरू कर दी। ठीक है, ये फूड चेन है सेम, वैसे सन से एनर्जी ली और डीकम्पोजर होके हीट लॉस्ट हो गई। अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि किस तरह से लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो आता है वो होता है स्पीशीज, और सबसे पहले क्या आती है, स्पीशीज। स्पीशीज आई किसी एरिया पे, कोई स्पीशीज आई, स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप होती है किसी ऑर्गेनिज्म का, क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, और वो क्या करते हैं, विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइज। स्पीशीज है वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, और उसमें क्या होता है, ब्रीड जो होते हैं, ब्रीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइज। स्पीशीज से क्या होती है, एक इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल मींस क्या होता है कि बेसिक लेवल होता है ये इंट्रैक्शन का। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे सिंगल चीज़ होगी, सिंगल प्लांट हो गया, सिंगल प्लांट हो गया, सिंगल बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया कोई, या एनिमल हो गया, सिंगल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है, ए जो है कैपिटल है, वो हमारा इंडिविजुअल है। सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन, ये देख रहे हो रैबिट है और सिंगल है। तो इंडिविजुअल में क्या होगा, सिंगल होगा, कोई भी सिंगल चीज़ होगी, स्टार्ट होगी इंडिविजुअल की, वन इंडिविजुअल के साथ। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, कलेक्शन होती है। ठीक है, किसकी कलेक्शन होती है, पॉपुलेशन इंडिविजुअल की, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ये याद रखना, किसके, सेम स्पीशीज में। सारी स्पीशीज क्या होगी, पॉपुलेशन में सेम होगी। जैसे हम हैं, पॉपुलेशन है ह्यूमन है, तो हम सारी क्या है, एक स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है, एक जगह पे रहते हैं। सेम स्पीशीज की कलेक्शन होगी विद अ एरिया या कोई रीजन। फॉर एग्जाम्पल ए ए ए ए ए, ये कलेक्शन है पॉपुलेशन की विद सेम स्पीशीज के साथ, क्लियर। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, इंटरेक्शन अमंग द स्पीशीज, मीन्स यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो किसकी होगी, डिफरेंट स्पीशीज की। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल ए ए ए ये एक स्पीशीज का ग्रुप है, बी 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 ये दूसरी स्पीशीज का ग्रुप है, एंड सी 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 ये तीसरी स्पीशीज का ग्रुप है। तो इनकी इंट्रैक्शन होगी, उसको बोलेंगे कम्युनिटी, क्लियर। आगे इकोसिस्टम है, फ्लो ऑफ एनर्जी जो मैंने आपको पिच भेजा, कैसे ट्रॉपिकल लेवल में 10% एनर्जी जो होते हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं, एंड 90% एनर्जी जो होती है उनकी क्या हो जाती है, लॉस्ट। वो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर से पहले आता है बायोमास। बायोमास जो होता है वो कहाँ से, ऑल बायोमास कहाँ से जनरेट होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर से। और क्या उसको क्या कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब हम प्रोडक्टिविटी का लेक्चर पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि ग्रोस प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, बायोस्फीयर जो होता है ग्लोबल प्रोसेस है, सबसे लार्जेस्ट प्रोसेस है। इसमें सारे लिविंग स्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिविंग और जैन प्लांट एनिमल सब कुछ आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो जैसे कि आपसे कभी ऑर्डर पूछ लिया जाए कि क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, होता है तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर से छोटा क्या होगा, बायोस्फीयर से छोटा क्या होगा, बायोमास, एंड देन इकोसिस्टम,
एंड देन कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी के बाद आता पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल के बाद स्पीशी। ये आपको किसी भी ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा क्या होता है, उससे छोटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हो गया कि किस कौन सी चीज़ की होती है, और इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इनकी इनकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने देखे कि कंज्यूमर जो होते हैं, अब कंज्यूमर आपने पढ़ लिए, उसमें हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं, लेकिन कुछ और भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे जो दोनों पे फीड कर सकते हैं, वो होते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, दोनों चीज़ों पे जो फीड कर सकते हैं। अब हर्बीवोरस का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हर्बीवोरस जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, तो हर्बीवोरस में आ गए जैसे डियर आ गया, ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, कैटल आ गई जो सिर्फ घास खाती हैं प्लांट के लिए, एलिफेंट आ गए, ये सारे क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, ये मांस नहीं खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन ही वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, इसमें मैमल्स आ जाती हैं, एग्जांपल मैमल किस में आती है, कार्निवोरस में, लायन आ गया, टाइगर, ये सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं जो ईट कर सकते हैं बोथ प्लांट में भी को भी एंड एनिमल को भी, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो है सबसे कॉमन एग्जांपल ह्यूमन, फिर आ गया रैकन, ये प्लांट भी खाते हैं एंड ये एनिमल के ऊपर भी फीड करते हैं। उसके बाद डिट्रीबोर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, मेनली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो एग्जांपल आता है वो होता है अर्थवर्म, ठीक है, और स्क्वेंजर भी डेड चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं, और इसका एग्जांपल है हाइन एंड वल्चर। वल्चर को आपने देखा ना, गाय मर गई, कभी कोई एनिमल मर गया, बड़ा एनिमल मर गया, तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाती है, तो मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन किया ताकि आपको ये, अगर कोई आपको वैसे गेट में कई बार पूछी गई है ये टर्म, और यहाँ पे भी पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग में भी कोई एक टर्म भी आ जाए और आपको पता हो, तो आपका फुल क्वेश्चन ठीक होने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। फेगोट्रोपस, फेगोट्रोपस आपको पता है फेगस क्या होता है, फूड, ये क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक। सिर्फ ऑटोट्रोपस कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट थ्रू द इंजेशन, जहाँ पे इंजेशन होगा वहाँ पे मैच द फॉलोइंग कर देना आप, फेगोट्रोपस, इंजेशन ऑफ सॉलिड मैटर, हिट्रोट्रॉपस ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट थ्रू करते हैं, इंजेशन ऑफ सॉलिड मैटर। ओस्मोट्रोपस जो होते हैं ये भी हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज पैरासाइट, पैरासाइट हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग बायोमास, लिविंग जो बायोमास होता है वहाँ से ये अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोफाइट्स, मैंने पीछे बताया कि ये जो होते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर, जो डेड होती हैं, मर गई होती हैं, उनके ऊपर जो होते हैं वो फीड करते हैं। तो ये थी बेसिक की वीडियो, और आगे इसके क्वेश्चन मैंने लिए हैं दो की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहता है, उसका एक क्या होता है, हैबिटेट होता है, ठीक है, एक हैबिटेट होता है, एक नीच होती है, हैबिटेट और क्या होती है, नीच। अब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी जो आने वाली वीडियो है उनमें डिटेल। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनका नेचुरल रेजिस्टेंस क्या होता है, हैबिटेट, अपना एक उनका घर होता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। हाइमिंग एंड वल्चर्स आर, मैंने आपको अभी बताया कि ये किसके एग्जांपल है, हाइमिंग एंड वल्चर, स्क्वेंजर के, क्योंकि क्यों, ये डेड चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। जो ओमनीवोरस होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल बोथ पे फीड करते हैं, जिसमें ह्यूमन एंड रैकून का एग्जांपल है, कार्निवोरस जो एनिमल के ऊपर फीड करते हैं। तो मैंने ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन लिए थे कि आपको आइडिया हो जाए।
अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम कवर करेंगे अपनी इकोलॉजी पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। उसमें आपको एज पिरामिड, जिसमें से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं एज वाले में से, डेथ रेट जिसमें से न्यूमेरिकल आता है, गेट में भी आता है, बर्थ रेट, सक्सेशन, प्रोडक्टिविटी एंड और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे थ्योरी ऑफ आइसलैंड है, ठीक है, थ्योरी ऑफ आइसलैंड है, फिर एक दो थ्योरी और है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करेंगे हम इसमें सारा आने वाली वीडियो में कवर करेंगे विद इन 1 वीक। क्यों? क्योंकि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के भी हमने इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जेनेटिक्स भी मैंने तैयार करती हूँ आपके लिए स्लाइड्स, वो फटाफट वीडियो आ जाएगी। 1 मंथ के हम जितने भी हम 6 to 7 यूनिट टारगेट करेंगे उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और कल से जो वीडियो आएगी उसमें से जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको साथ में लेकर क्वेश्चन आऊँगी और साथ में सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए करें, क्योंकि एंड में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितना भी पढ़ लो अगर उस पढ़े हुए को आप कहीं किसी क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू।